नमस्कार किसान साथियों, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल सादावाद केसरी, जहां हम आलू के बारे में विस्तार से बताते हैं क्या आलू के भाव में उतार चढ़ाव है, क्या मंडी रेट्स है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब की जानकारी को लेकर आज फिर मैं हाजिर हूँ। आज तारीख है 13 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार, समय हो चुका है सुबह के 8:30 और स्टार्ट करते हैं वीडियो। और किसान भाइयों, आप कैसे हैं कमेंट में सबसे पहले ये लिख के बताइएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप स्वस्थ हैं तभी हमारा मन करता है कि हम आपको नई ताज़ा अपडेट दे सकें। तो किसान भाइयों, बिगर समय गंवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो भैया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार विजिट किए हैं तो, और उसे ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे होगा क्या कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंचेगा और आप उस वीडियो का लुत्फ उठा सकेंगे कि भाई क्या रेट चल रहा है। तो किसान भाइयों, बिगर समय गंवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम बात कर लेते हैं कोल्ड स्टोरेजों की। तो कोल्ड स्टोरेजों की स्थिति काफ़ी विपरीत है मंडियों के, तो अभी बात कर लेते हैं। हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि साउथ की मंडियों में कोल्ड स्टोरेज से क्या उठान हो रहा है। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मेरठ से। मेरठ के कोल्ड स्टोरेज में 465 रुपये का पैकेट बिका है, रामपुर के कोल्ड स्टोरेज में 475, इलाहाबाद के कोल्ड स्टोरेज में 467, बदायूं के कोल्ड स्टोरेज में 465, जसवंत नगर के कोल्ड स्टोरेज में 465, शाहगंज के कोल्ड स्टोरेज में 435 रुपये प्रति पैकेट, बीसलपुर में 467, एटा में 465, फिरोजाबाद में 462, हरदोई में 465, खुर्जा में 465 रुपये प्रति पैकेट, कानपुर में 462 रुपये प्रति पैकेट, गाज़ियाबाद में 467, जालौन में 462, मवाना 450, शिकोहाबाद 405, बरेली 450, बहजोई 409, बाराबंकी 405, फर्रुखाबाद 450, उजानी 460, हाथरस 450, उन्नाव 450, चंदौसी 407, जौनपुर 405, मथुरा 460। अब किसान भाइयों, अब आप बोलेंगे भैया ये कोल्ड स्टोरेज के रेट हैं तो ये क्या है, तो भैया ये गुल्ला के रेट हैं, आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, ये गुल्ला के रेट हैं जो गुल्ला को कोल्ड स्टोरेज से बिका है। अब बात कर लेते हैं हम चिप्सोना की। तो चिप्सोना का मथुरा की मंडी में 612, कोल्ड स्टोरेजों में 600, मेरठ के कोल्ड स्टोरेजों में अगर बात करें चिप्सोना की तो 600 रुपये प्रति पैकेट और मंडियों में 650 तक बिक रहा है। मुरादाबाद में कोल्ड स्टोरेज 612, मंडियों में 670 तक बिक रहा है। मुजफ्फरनगर के कोल्ड स्टोरेजों में आलू चिप्सोना 670 रुपये व्यापारी उठा रहे हैं और 680 रुपये का मंडियों में बिक रहा है। बिलासपुर का कोल्ड स्टोरेज में 620 का चिप्सोना उठ रहा है और 700 रुपये तक बिक रहा है। फर्रुखाबाद में कोल्ड स्टोरेजों से चिप्सोना 617 उठ रहा है और मंडी के साउथ की मंडी में लोडिंग हो रही है। साउथ की मंडी में यहाँ फर्रुखाबाद का आलू की डिमांड है तो यहाँ 750 तक पहुँच गया है। आगरा का 612 रुपये कोल्ड स्टोरेज में चिप्सोना उठाया जा रहा है और मंडियों में 750 रुपये तक बेचा जा रहा है। कन्नौज के कोल्ड स्टोरेज में 600 रुपये का उठाया जा रहा है और मंडियों में 650 और 700 रुपये तक के रेट व्यापारियों द्वारा वसूले जा रहे हैं। सहारनपुर में 620 रुपये कोल्ड स्टोरेज से व्यापारी उठा रहे हैं और कोल्ड वहाँ पर 700 रुपये तक मंडियों में 700 रुपये बिक रहा है। कानपुर में 612 रुपये कोल्ड स्टोरेज थे और मंडियों में 680 रुपये तक बिक रहा है। मैनपुरी में 622 तो आपका कोल्ड स्टोरेज थे तो वहाँ पर मंडियों में बिक रहा है 680। तो किसान भाइयों, आप खुद देख लीजिए, व्यापारी जो बिचौलिए हैं ना, व्यापारी तो मंडियों में होते हैं, जो व्यापारी हैं जो यहाँ के बिचौलिए हैं ना, ये आपकी नींदें हराम कर रहे हैं। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप बस परस्पर साथ दीजिए, इनको यहीं से रोक लीजिए, अन्यथा आप किसान बर्बाद हो जाएंगे। आप खुद देख लीजिए, मेरठ में 600 रुपये उठ रहा है और 700 रुपये बेच रहे हैं, वो फर्रुखाबाद में 617 उठ रहा है, 750 रुपये तक मंडियों में बेच रहे हैं। तो किसान भाइयों, इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है बताइए, कमेंट में लिख के बताइएगा, बेनिफिट आपको मिल रहा है? नहीं ना, बेनिफिट कौन उठा रहा है? बिचौलिया कौन उठा रहा है? देखिए, मेरे आड़त वालों से ही बात हुई है, बोले हमारे यहाँ पे ये रेट मिल रहा है और हम जो हमारे यहाँ से लेके आ रहा है किसान तो लेके आ ही नहीं रहा है, वो जो बिचौलिया लेके आ रहा है उसे पेमेंट दिया जा रहा है 750 रुपये तक। तो किसान भाइयों, आपको क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ में, फिर भी आप जागरूक नहीं हो रहे हैं। आप खुद देख लीजिए कितना अंतर आ रहा है, 600 रुपये का 700 रुपये में बिक रहा है, 650 का 750 में बिक रहा है, 100 से 150 रुपये का यहीं पर बिचौलिया मुनाफा कमा रहे हैं जो कोल्ड स्टोरेज से आपका आलू खरीद रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सब चीज़ करता हूँ कि भैया वीडियो शेयर कीजिए, इन व्यापारियों के कुत्तों पे दबाव बनाइए, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं हैं। आप लोग उन कुत्तों में ही कुत्तपना करना के राजी हो जाते हैं। इसी वजह से मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कहाँ कहाँ से वीडियो के लिए मेहनत कर उससे रेट्स लाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि भैया ये रेट्स चल रहे हैं, लेकिन आप लोग उसे जागरूक होने की बजाय उसी अंधेर गिर्दी में गिरना पसंद करते हैं। तो भैया, इससे ज़्यादा कोई यूट्यूबर नहीं बता पाएगा कि भाई ये हो रहा है। और दूसरा सिंडिकेट देख लीजिए, व्यापारियों और जो बिचौली है और कोल्ड
स्टोर वालों का, वहाँ पे आपका आलू सारा बेच दिया गया है। और अगर आपका रखा हुआ है और जो कोल्ड स्टोरेज में भरा हुआ दिख रहा है ना, वो व्यापारियों का, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, वो व्यापारियों का आपका आलू नहीं है, आपका आलू बेचा जा चुका है, आपके आलू के कुल सैंपल रखे हुए हैं। तो किसान भाइयों, कोल्ड स्टोर पर दौरा किया कीजिए। और बात कर लेते हैं 3797 की, तो 3797 मुजफ्फरनगर के कोल्ड स्टोरेजों से 525 और मंडियों में बिकाए 590, इटावा के कोल्ड स्टोरेजों से 520 रुपये 3797 उठाए और बिकाए 620, जसवंत नगर से 535 रुपये प्रति पैकेट 580 तक बिकाए, फिरोजाबाद में 525 रुपये कोल्ड स्टोरेजों से उठाया गया है और 595 तक बिका गया है, हाथरस में 565 रुपये उठाया गया है, 600 रुपये तक बिका गया है, शिकोहाबाद में 512 रुपये कोल्ड स्टोरेज से व्यापारियों ने उठाया है, मंडियों में अलग रेट है, मंडी में आपका 592 रुपये तक बिका है, झांसी में आपका 520 कोल्ड स्टोरेज से ही है, और मंडियों में जाके देख लीजिए 680 आपका, आगरा 525 और मंडियों में देख लीजिए 595, लखनऊ का कोल्ड स्टोरेज 522 मंडियों में देख लीजिए 575, सहारनपुर में कोल्ड स्टोरेज 525 और वहाँ पर देख लीजिए आपको सीधा 598, मथुरा में 510 कोल्ड स्टोरेज 3797 उठाया है और देखिए वहाँ पर क्या बिका है आपका 565, अलीगढ़ में 515, 575, औरैया में 510, 590, एटा में 517 और वहाँ पे बिका है 617, फरुखाबाद 507 और मंडी में क्या बिका है 565, सिरसागंज में 510 मंडी में क्या बिका है 590, टूंडला में 510 मंडी में 595, सादाबाद में 510 कोल्ड स्टोरेज से उठाया गया है और मंडियों में क्या बिका है। और ये देखिए हैदराबाद की मंडी में सादाबाद का आलू जो जनपद आगरा के आसपास का इलाका है, यहाँ पर 510 का कोल्ड स्टोरेज से व्यापारी ने खरीद के 710 रुपये प्रति पैकेट आपका हैदराबाद की मंडी में बेचा है। खैर के मंडी में से 512 रुपये प्रति पैकेट कोल्ड स्टोरेज से उठाया है और 612 रुपये तक के रेट भवनपल्ली की मंडी में से उठाए हैं। मैनपुरी की बात करें तो 512 तो आपका कोल्ड स्टोरेज से उठाया है और 612 रुपये भवनपल्ली आपका, और कानपुर 515 रुपये का कानपुर से उठा के, और साउथ की मंडियों में 40 किलो का पैकेट होता है और वही आलू 715 रुपये, खुर्जा 575 रुपये का कोल्ड स्टोरेज से उठा के, आपका चिकमंगलुरु 875 रुपये, चिरगांव 525 रुपये कोल्ड स्टोरेज से उठा के, आपका अंगमाली 1250 रुपये जो केरला में है, चंदौसी से 540 रुपये प्रति पैकेट कोल्ड स्टोरेज से उठा के, आपका थिरुवनंतपुरम केरला में 1550 रुपये प्रति पैकेट बेका है, जौनपुर में 590 रुपये उठा के कोल्ड स्टोरेजों से, और आपका 990 रुपये यानी कि 1000 रुपये कम आपका केरला की मंडी में बेचा है, और तुमकुरी रोड से 600 रुपये का प्रति पैकेट उठा के आपका ये दक्षिण में ही वाशी की मंडी में 900 रुपये प्रति पैकेट बेका है, राट का प्रति पैकेट 562 और ये वहाँ पर बिका है आपका हैदराबाद में ही 768 रुपये का, शामली में 560 रुपये प्रति पैकेट खरीदा गया है इन बिचौलियों द्वारा और 780 रुपये तक बेचा गया है मंडियों में, साउथ की मंडी की बात कर रहा हूँ किसान भाइयों, चंदौसी में 525 रुपये यहाँ से उठा के और 925 रुपये आपका आलू जो है रामनगरा की मंडी वहाँ बेचा गया है कर्नाटक में ले जाके। और अगर बात करें पीलीभीत की तो 530 रुपये तक प्रति पैकेट कोल्ड स्टोरेज से उठाया है और 880 रुपये प्रति पैकेट आपका आलू जो है वाशी की मंडी मुंबई में बेचा गया है। किसान भाइयों, ये सारे बिचौलिए हैं जो आप लोगों को शोषण कर रहे हैं, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए मंडियाँ क्या रेट बोल रही हैं वहाँ पे। मैं आपको फिर बता दूं, कर्नाटका में चिकमंगलुरु में 900 रुपये तक का रेट है, रामनगरा की मंडी में 950, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो पुणे की मंडी में 650, सांगली की मंडी में 600, अगर बात कर लेते हैं तो आपके ज्योति की लोकर एमपी की तो 13 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, एलआर का गुजरात 11 रुपये किलो, लाल गुलाल 5 रुपये किलो, 3797 आज 14 रुपये किलो बिका है, शुगर फ्री आज 15 रुपये किलो बिका है, और आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश का 3797, हैदराबाद की मंडी में 16, अब बताइए 16 और आपका 16 रुपये किलो तो यहाँ बिका 52 किलो का पैकेट होता है, तो आप खुद जान लीजिए कि ये कितना बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, आप लोगों को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप लोगों से हमें एक बात कहते हैं, इन चोरों के मुँह पर थूक दो या मूत दो, क्योंकि ये चोर आप लोगों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, लेकिन आप लोग इन्हीं के हाथों अपना सब कुछ बेचने को न्योछावर रहते हैं, आप हमें ही कहते हैं कि भैया ये तो रेट चली नहीं रहे, तो भाई साहब जब तक आप इनके कान पर चपेट नहीं मारेंगे ना तब तक इनके अकल नहीं आएगी, और अकल नहीं आएगी तो तुम्हें आलू का कीमत मैं क्या कोई व्यापारी ये बिचौलिया भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जितनी मेहनत मैं आपको ग्राउंड जीरो से निकाल निकाल के आपके पास में दे रहा हूँ ना, तो आप लोगों की बुद्धि खुलने के नाम नहीं ले रही है। अगर जिस दिन आपकी बुद्धि खुल गई ना, उस दिन या तो व्यापारी
बंद हो जाएंगे या आपका आलू जो है मंडी में अच्छे रेटों पे बिक जाएगा। तो इस बात को कान में अंड वो कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जो आपके लिए सोनू चौधरी मेहनत कर रहा है, इतनी कोई मेहनत नहीं कर रहा होगा, ये आपके सामने है। अगर आपको अच्छी लग रहा हो तो भैया वीडियो को परस्पर शेयर करिए। देखिए मुझे आप ये सोच रहे हो कि ये वीडियो व्यूअर और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कर रहा है, तो ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। आप अभी मेरे चैनल पर छोड़ के चले जाइए, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। मैं तुम जैसे जेब जो अपनी स्वार्थ के लिए वो कर रहे नहीं है कि इससे इसका भला हो जाएगा, तो भाई साहब आप अपना आलू तुरंत निकाल दीजिए। मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ और हर किसान के साथ ये जानकारी पहुँचनी चाहिए। इस वजह से मैं कहता हूँ कि किसी किसान के साथ में अन्याय ना हो जो ये कुत्ते लोग कर रहे हैं, जो बिचौलिए हैं यहाँ तक कोल्ड स्टोरेज है। इसी वजह से मैं वीडियो को शेयर करने के लिए कहता हूँ, इसी वजह से वीडियो को लाइक करने के लिए कहता हूँ, ताकि आप लोगों का एक मजबूत स्ट्रेंथ हो कि आपके साथ कोई खड़ा है। लेकिन आप लोग है ना सिर्फ अपना निजी स्वार्थ ढूंढते हैं, और निजी स्वार्थ के कारण ही आज आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं हमारे यहाँ सिरसागंज में ये रेट बिक रहा है, फिरोजाबाद में ये रेट बिक रहा है, मथुरा में आज ये बिका, खैर में ये रेट बिका। तो भैया आपके रेट है ना वो आपके स्वार्थ के कारण ही है। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे और इन चोरों पे कुत्तों पे दबाव बनाएंगे नहीं, तब तक तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। जितना अगर आप दबाव बना लेंगे कि यूट्यूबर ये बता रहे हैं यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, हम नहीं बेच रहे, तो मैं वादा करता हूँ आपका आलू जो है 1000 रुपये कट्टा बिकेगा। जैसा कि APMC और APDA के अधिकारियों ने कल ही एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया था कि आलू जो है 1000 के ऊपर जाएगा, यानी 19-20 का अंतर हो जाएगा 2021 में। लेकिन आप लोगों को निजी स्वार्थ के कारण, मैं आप लोगों के मुंह पे कह रहा हूँ, आप लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण किसी भी दूसरे के किसान के साथ में ये जानकारी शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि मेरा आलू 900 बिक जाए और दूसरे का आलू 350 बिक जाए। ये आप लोगों में सबसे बड़ी कमी है उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ। अगर आपको बुरी लग रही हो चैनल छोड़कर चले जाना, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग ये सोचते हैं कि सोनू चौधरी अपने फायदे के लिए कर रहा, तो सोनू चौधरी को अपना फायदा नहीं चाहिए, मुझे अपने किसान भाइयों का वो चाहिए। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो चैनल छोड़कर जा सकते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं किसानों के साथ हूँ, जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं भैया वीडियो को शेयर करना, और जिन्हें लगता है कि ये रेट वो हैं ये रेट वो हैं, तो भैया ये आप लोगों की नाकामी है। हम मेहनत कर रहे हैं, हमें मेहनत का परिणाम चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं दे रहे हैं, तो इसका हमारे कोई मतलब नहीं है। कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 650 बिक रहा है या 450 बिक रहा है, 500 भी नहीं पहुँचा है, यहाँ पे ये हैं यहाँ पे ये हैं, तो भैया इनके कान पर चपेट मार दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ग्रुपों में, ताकि हम इन व्यापारियों के चंगुल से मुक्त हों और इन्हीं के मुँह पर मुँहतें, समझ रहे हैं। और कोई भी ये कहता है 450, तो उन्हें वीडियो दिखाओ। हर एक किसान के मोबाइल में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि एक ही बंदा है तुम्हारे सादा सोनू चौधरी, जो सादा उत्के इसी चैनल के माध्यम से किसानों के साथ खड़ा हुआ है, और उसमें भी उसका साथ जो है किसान नहीं दे रहे हैं, तो इससे बुरी बात क्या होगी कि किसान ही उसके साथ नहीं खड़े हैं, वो किसानों के साथ दिन रात एक कर रहा है, खुद निजी स्वार्थ के कारण, जो किसान जो अपने निजी स्वार्थ के कारण उसके चैनल पर आने वाली वीडियो को ना तो लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं, जिससे व्यापारियों के और बिचौलियों के जो कुत्ते लोग हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो किसानों का शोषण कर रहे हैं, फिर दोबारा से 450 रुपये खरीदने के लिए उतारू हो गए हैं। तो किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये वीडियो थी उन किसानों के लिए जो वास्तविक रूप से मेहनत करते हैं, उन किसानों के लिए नहीं थी जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना निजी स्वार्थ देखते हैं। तो अभी जा सकते हैं, क्योंकि तुम निजी स्वार्थ के कारण जुड़े हुए हो और अपना स्वार्थ देख रहे हो। अगर आप वास्तविक रूप से किसान हैं तो किसानों तक वीडियो को पहुंचाने का, जो भी वीडियो आती है उसको तुरंत के तुरंत शेयर करने का काम करें, तो ही तो किसानों का भला हो सकता है, तभी आपका भला हो सकता है। अन्यथा आप अपने स्वार्थ के कारण कि मेरा ही भला हो, तो भगवान भी आपका कोई भला नहीं करेगा। चाहे आपको खुद देख लीजिए कि सोनू भाई ने 900 बताया था, मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपका निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ तो आपका आलू 500 से नीचे ही बिकेगा, 500 तो ऊपर नहीं जाएगा कभी भी। और अगर आपका स्वार्थ किसानों के साथ है तो मैं वादा करता हूँ आपका 1000 रुपये प्रति पैकेट बिकेगा, और ये गारंटी के साथ है, क्योंकि हमारे पास पूरी एड वो है डाटा, और डाटा के अनुसार हम बताएंगे। और देखिए किसान भाइयों आपको एक खास बात और बता दूँ, आज शुक्रवार है और दिनांक आज 13 तारीख है, और आज मैं आपको बता दूँ, आज मैं लाइव के माध्यम से तो नहीं, आज मैं आपसे सीधे रूबरू होऊंगा गूगल मीट के थ्रू, और इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप जब भी वीडियो को खोलें तो आज शाम को 4 बजे आपका आप गूगल मीट पर सीधा आप लिंक ज्वाइन करना, आपसे सीधे रूबरू करूंगा, आप सीधे फेस टू फेस बात करना, जो कि किसानों के साथ जुड़ा रहना ही मेरा परस्पर मकसद है। तो इस वजह से आज शाम 4 बजे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक मिल जाएगा। आज हम गूगल मीट वो करेंगे, आपसे सीधा वार्तालाप करेंगे, आपके सारे एक सवाल जानेंगे, आपके क्या हैं खूबी वो भी जानेंगे। यूट्यूब के माध्यम से नहीं हो पाता है, क्योंकि आप लोगों को देखना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो किसान भाइयों शाम को 4 बजे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, और वहाँ पर गूगल मीट का लिंक मिल जाएगा,
और आप उसे ज्वाइन करना और अपने मोबाइल में गूगल मीट इंस्टॉल कर लेना अभी, क्योंकि शाम 4 बजे मैं आपसे सीधे मीटिंग करूँगा, ऑनलाइन मीटिंग करूँगा, वर्चुअली मीटिंग होगी मेरे किसान भाइयों आपके साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। हाँ, 4 बजे मीटिंग में ज़रूर आ जाना, क्योंकि मैं 4 बजे आपका वेट करूँगा। ठीक 4 बजे से लेकर मेरी 15 मिनट की मीटिंग होगी आप लोगों के साथ, और आप लोग परस्पर मीटिंग में भाग लीजिएगा।